नए वित्तीय वर्ष में कार्य योजना बनाकर राजस्व वृद्धि और प्रभावी प्रवर्तन करें अधिकारी आरटीओ। आरटीओ ने संभाग की राजस्व प्रवर्तन की समीक्षा की, दिया मार्गदर्शन। आरटीओ अयोध्या संभाग ऋतु सिंह ने माननीय परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में शीघ्र आहूत होने वाली बैठक के दृष्टिगत आज दिनांक 1/4/2023 को संभाग के समस्त आरटीओ की आरटीओ कार्यालय में राजस्व प्रवर्तन के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आहूत की। बैठक में निर्धारित राजस्व प्रवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्ति पर समीक्षा की गई एवं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित राजस्व प्रवर्तन लक्ष्यों की 100% प्राप्ति एवं प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने हेतु वित्तीय वर्ष के शुरुआत से ही प्रभावी रणनीति बनाकर कड़ी कार्यवाही करें एवं सुझाव उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध वाहनों के संचालन तथा अवैध वसूली एवं अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 1/4/2023 से 15/4/2023 तक विशेष अभियान चलाकर व नगर निकाय, पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण, जनपदीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क राज्य मार्गों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इस हेतु संयुक्त कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने एवं करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आज वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पूरे संभाग की हमने एआरटीओ प्रशासन और एआरटीओ प्रवर्तन जितने भी हैं हमारे बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी आदि जो हमारे जिले हैं अयोध्या संभाग के, उनके साथ एक समीक्षा बैठक राजस्व प्रवर्तन लक्ष्य के प्राप्ति के लिए की है। और इसका बेसिक उद्देश्य ये भी है कि हम पुराने गत वर्ष का जो उपलब्धियां हैं उनकी समीक्षा के साथ साथ आगामी वर्ष की भी तैयारी बैठक इसको कह सकते हैं, और माननीय मंत्री जी भी शीघ्र इसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। तो हम लोग अपने क्या प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए राजस्व वृद्धि किस तरह की जा सके उसके लिए भी हमें सुझाव देने हैं और प्रयास करने हैं। तो यथासंभव प्रयास हेतु ये परिवहन विभाग कृत संकल्प है, और मैंने निर्देश दिया है कि जो भी एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर वर्ष के शुरुआत से ही काम करें, क्योंकि वर्ष के अंत तक आते आते लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो रोड सेफ्टी के भी जो ऑफेंसेज हैं रेगुलरली प्रतिदिन उसको करें, ओवरलोडिंग, अनाधिकृत संचालन और जो भी बकाया गाड़ियां हैं उनके लिए वो करें। आगामी जो चुनाव आने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर लें, बसेस के मालिकों के फ़ोन नंबर्स और पते वगैरह अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लें ताकि उनको सूचना या नोटिस देने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो राजस्व के लक्ष्य हैं, उन लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई कि उनके जनपद में क्या समस्या है, तो उसको भी हम उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि पिछले गत वर्ष के सापेक्ष जो है हमारी वृद्धि हुई है राजस्व में, और अभी फाइनल फिगर्स आना बाकी हैं, ट्रेजरी से मिलान करने के बाद ही फाइनल फिगर्स आ पाएंगी। लेकिन ये बैठक सारे अधिकारियों में एक ऊर्जा भरने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए और पहले की जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सबक लेकर आगे अच्छे से काम करने के लिए है।